अब है क्वेश्चन नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक्स। एन एक्यूट एंगल इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन डैश। एक एक्यूट एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा और किससे कम होता है, तो वहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। तो बी पार्ट है ए डैश एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा राइट एंगल। सी पार्ट है एन ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन डैश, वहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री। टू राइट एंगल्स आर इक्वल टू ए स्ट्रेट लाइन देन स्ट्रेट एंगल्स मेजर एग्जैक्टली डैश, यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर है क्वेश्चन नंबर थ्री, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट और स्ट्रेट एंगल्स। तो हमें यहाँ पे दिखाना है कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है और कौन सा एंगल राइट और स्ट्रेट एंगल है। तो पहला जो है वो है 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा, तो ये एंगल एक्यूट एंगल है। दूसरा जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है पर 180 डिग्री से कम है, तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा जो है ये राइट एंगल है। चौथा जो है ये स्ट्रेट एंगल है। और फिफ्थ जो है ये एक्यूट एंगल है। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।